राधे राधे। चलिए आज आपको धनवर्षा पोटली बनानी सिखाते हैं। सबसे पहले ये बनाने का है, आप धनतेरस से लेके बड़ी दिवाली तक तीनों दिन कभी भी बना सकते हैं इसको। आपको किसी भी सुनार की दुकान से रेड कलर की पोटली लेनी नहीं है, रेड ही लेनी है क्योंकि मनी अट्रैक्ट होती है रेड पर ही। फिर आपको सभी चीजें 5 के अमाउंट में लेनी है। 5 सुपारी ली है हमने, 5 ही हमने कौड़ी ली है, 5 ही हम गोमती चक्र लेंगे, 5 ही हम कमल गट्टे लेंगे और 2 लेंगे हम हल्दी की गांठ। और ये सभी चीजें आपको किसी भी पंसारी की शॉप से या पूजा सामग्री की शॉप से अवेलेबल हो जाएगी। फिर आपको लेनी है 5 लौंग और 5 इलायची, लौंग फूल वाली होनी चाहिए। फिर आपको एक सिक्का लेना है जिसमें लक्ष्मी, चांदी का सिक्का होना चाहिए जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हो। और उसके बाद आपको लेना है पैसे, पैसे आप किसी भी अमाउंट में 50, 100, 500 किसी भी चीज में ले सकते हैं, लेकिन याद और धनिया लेना है हमको। और हमें जो ये पैसे हैं खर्च नहीं करने हैं, तो आप जितने रख सके उतने ही रखें। फिर हमें लक्ष्मी जी के सामने इनका पूजन करना है और पोटली में सभी सामग्री को रख देना है। अगर आप धनतेरस पे इस पोटली को बना रहे हैं तो 3 दिन तक ये पोटली लक्ष्मी जी के सामने रखी रहेगी और फिर दिवाली पूजन के बाद ही आप इसको तिजोरी में रखेंगे। और अगर आप इस पोटली को दिवाली पर बना रहे हैं तो भी आप लक्ष्मी पूजन के बाद ही इसको तिजोरी में या अपने पर्स में रखेंगे, ठीक है जी। अब जो लास्ट टाइम की पोटली आपने बनाई थी उसमें जी जो सामग्री है यानी कि जो कमल गट्टे, सुपारी और ये सब चीजें, तो आप दोबारा से गंगा जल में स्नान करके यूज कर सकते हैं। पैसे आप लोग कान्हा जी के वस्त्र लाने में यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी कान्हा जी का सामान आपको लाना हो। और जो हल्दी की गांठ है और धनिया है वो आपको किसी भी पौधे के अंदर दबा देना है, वो दोबारा से रीयूज नहीं होगा। फॉर फर्दर वीडियोस फॉलो कर लो।